नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, कार्य पूरा होने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए ये विराट है ठीक है, और ये डेनियल है ठीक है, और जो डेनियल है वो विराट से 60% अधिक कुशल है, यानी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, अगर विराट एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो डेनियल कितना करेगा, 16 यूनिट, यानी अगर मैं इसको 2 पे काट दूं, यानी विराट अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो डेनियल कितना करेगा, 8 ठीक है। ये आ गई उसकी एफिशिएंसी ठीक है। टाइम अगर मैं निकालूं, टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है, यानी विराट का 8 यूनिट आ गया और डेनियल का 5 यूनिट ठीक है। अब विराट का तो टाइम दिया हुआ है कितना, 30 डेज ठीक है ना, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 30 डेज ठीक है। हमसे पूछा है डेनियल की निकालिए, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी 30/8 × 5 ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 15, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 75/4, 75/4 ये कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 3 रिमाइंडर ठीक है ना। तो 18 सही, 3/4 जो है वो क्या आ गया, टोटल समय किसके द्वारा लिया गया है, डेनियल के द्वारा ठीक है। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सही औसत कितना होगा, देखिए सही औसत होगा 45 तो है ही है ठीक है, ज्यादा संख्या को कम पढ़ा गया है, यानी अब अगर मैं 48 की जगह दोबारा 84 रखूं तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू और ऐड होगी जिससे एवरेज बढ़ेगा, तो 45 के अंदर कुछ वैल्यू बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी, 84 - 48, क्योंकि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, और यहां से जो वैल्यू आएगी, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 36, तो 36 में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा, तो मैं करूंगा 36 से डिवाइड ठीक है ना। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, 45 तो पहले से ही हो सकता, 84 - 48 36, 36 डिवाइड में 36 कितना आ जाएगा, 1, तो 45 + 1 यानी 46 आ गया, यानी 46 हमारा क्या है, नया औसत है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 23 की वैल्यू दी हुई है a/b, और secant 23 - sin 67 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए sin 23 की अगर मैं ट्रायंगल में वैल्यू देखूं, ये एंगल कितना है 23 डिग्री, और sin 23 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया ए, और हाइपोटन्यूज कितना आ गया बी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बेस कितना आया है, बेस आ गया b² - a² √ ठीक है ना, ये आ गया। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितने का हो गया, 67 डिग्री का ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, secant 23 डिग्री कितना होगा, देखिए secant होगा हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, यानी b/√b² - a² माइनस sin 67 कितना होगा, देखिए sin 67 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये कितना है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटन्यूज एज इट इज रहेगा, तो साइन किसके इक्वल होता है, sin 67 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज ठीक है ना। तो बस इसको सिंपलीफाई करना है, आप एलसीएम ले लीजिए, b√b² - a² तो यहां से क्या आया b², और यहां से क्या है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंडर रूट कट जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, b² - का हो जाएगा, प्लस का a² हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो अब हमारा जो आंसर बचा वो क्या है, ये हमारा आंसर बचा ठीक है ना। तो ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल पूछा है किसका, हेल्थ का ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है उसमें देखिए अलग अलग कलर पे कुछ नंबर दिए गए हैं ठीक है ना, ये एक्सपेंसेस है किस पे, हेल्थ पे ठीक है। तो हेल्थ पे, रेंट पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, और इलेक्ट्रिसिटी पे ठीक है। तो हमसे तो हेल्थ के लिए पूछा गया है ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं टोटल खर्चा देखूं, टोटल एक्सपेंसिस देखूं, तो 15,000 और 10,000, ये 25, 25 और 5, 30, 30 और 20, 50, यानी 50,000 जो टोटल कॉस्ट है वो कितने डिग्री एंगल को शो कर रहा है, सेंटर पे पूरा एक सर्कल बनेगा ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के ठीक है। तो 50,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री एंगल को ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 36 डिग्री को ठीक है। हमसे पूछा हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ यहाँ पे कौन सा है, ऑरेंज, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना है ठीक है ना। तो अब देखिए ऑरेंज का मतलब 15,000 की वैल्यू पूछी है ठीक है, 5,000 की वैल्यू है 36, इसको 3 से गुना कर दीजिए तो हमारे पास 15,000 आ जाएगा,
और यहां से भी हमें 3 से गुना करनी पड़ेगी, 36 गुना 3 108 डिग्री, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन उम्मीदवारों अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच एक चुनाव में एक पद के लिए चुनाव लड़ा गया। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है। अब देखिए, मैं मान लेता हूं यहाँ पे अर्जुन मैंने लिख लिया, यहाँ पे भास्कर और यहाँ पे सरल, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भास्कर जो है उसको 100 वोट मिले, ठीक है ना, 100। तो अब सरल को भास्कर से कितने वोट कम मिले हैं, 2%, यानी सरल को मिले 98 यूनिट, ठीक है। और अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो यानी 98 तो मिले, लेकिन इसका 50% कितना होगा, इसका आधा, ठीक है ना। तो उनको दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 147 वोट इनको मिले, यानी 98 का मैंने क्या किया, 150%, यानी 1.5 से गुना कर दी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 147 वोट मिले, ठीक है। पूछा है भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल यानी 100 माइनस 98, यानी 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1296, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 648, राइट। हमसे पूछा है अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर कितना है। देखिए, बीच का अंतर नहीं पूछा, जो डिफरेंस है उसका हाफ पूछा है, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है। अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच के हाफ का अंतर पूछा है, ठीक है ना। यानी अगर डिफरेंस देखूं तो मेरे मेरा कितना हुआ, 147 माइनस 100 यानी 47, लेकिन पूछा हमसे कितना है, 47/2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू है 648, तो 47/2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 648 गुना 47/2, ठीक है ना। 2 पे काटिए, 3 2 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है ना, कि हमारा आंसर क्या आएगा। अब पहले 2 डिजिट चेक कर लेते हैं आंसर के, 24 और 47 को गुना कीजिए, 47 चौके 188, तो 8 हमने लिख लिया, 18 हमने माइंड में रखा, ठीक है। 47 दूनी 94, ठीक है ना, 94 और 18 कितना होता है, 112, यानी यहाँ पे आएगा 2, यानी हमारे आंसर में लास्ट में कितना है, 28, यानी जो ऑप्शन फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए, जो छोटी ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं, तो ये 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, और बाहर कितना है, ये माइनस का है, तो ये मैंने माइनस का लगा दिया, ठीक है। फिर भाग को सोल्व करेंगे, 30/6 यानी 5, ठीक है, ये पॉजिटिव 7 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 7, ठीक है। तो माइनस का 12 और 7 और 5 प्लस के 12, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 7, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में टाइपिंग का काम मोनिका द्वारा 6 घंटे में, अनीता द्वारा 8 घंटे में और मंजू द्वारा 6 घंटे में पूरा किया जाता है, यदि वे अकेले काम करें तो, ठीक है, और अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। अकेले अकेले काम करती हैं तो टाइम कितना लगता है, मंजू मोनिका को लगते हैं 6 घंटे, अनीता को लगते हैं 8 घंटे, और मंजू यानी MN से डिनोट कर रहा हूं उसको लगते हैं 5 घंटे, ठीक है ना। तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो वो आएगा 120, ठीक है। तो यहां से M की एफिशिएंसी, मोनिका की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 120/6 यानी 20, यहां से 120/8 यानी 15, और यहां से 120/5 यानी 24, ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी निकालूं, MA+MN कितनी आ जाएगी, 9 और 5, 59 आ गई, ठीक है। हमसे पूछा है तीनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, यानी कितने समय में, और यहाँ पे दिन नहीं है, घंटों में टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है ना, तीनों की। तो यहाँ से 59 गुना 118 यानी 59 से भाग कर रहे हैं तो नीचे आएगा, 59 गुना 118, 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या कथन है, यदि एक जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर बढ़ाया जाता है तो इसे छेदक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये एक सर्कल है और यहाँ पे एक बोर्ड है यानी जीवा है, इसको मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, दोनों सिरों पे। तो अब ये क्या है, छेदक रेखा, ठीक है, या इसको सीकेंट भी बोल सकते हैं। तो पहला जो वाक्य है वो तो सही है, ठीक है, हमसे पूछा है गलत कौन सा है। तो दूसरे पे आते हैं, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। देखिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है, एक वो पॉइंट है जहां पे स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, ठीक है,
अब बोला क्या गया है कि सेंटर से यहाँ पे एक लाइन जो स्पर्श बिंदु है और सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है, इनको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये बोला गया, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तीसरी क्या है, वह रेखा जो वृत्त के दोनों अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। जी नहीं, वो स्पर्श रेखा नहीं होती, ठीक है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट वो सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको टेंजेंट बोलिए, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये सिर्फ एक पॉइंट, मान लीजिए ये ए है, ये ए पे टच कर रही है सर्कल को, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, यही पूछा था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। एक बार चौथा पॉइंट और देख लेते हैं, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु बिंदु को छूने वाली रेखा है, ये अभी मैंने अभी आपको बताया था कि टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में दुगनी है, यानी ए की एफिशिएंसी बी की तुलना में दुगनी है, अगर बी यूनिट काम करता है यूनिट टाइम में, ठीक है, तो ए कितना करता है, उससे डबल, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, उससे डबल है, ठीक है। अब देखिए, ए दिन में 8 घंटे काम करता है, ए जो है दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, जबकि बी, ये क्या है, 8 नहीं है, ये बी है, ये 8 नहीं है, ये क्या है, बी, जबकि बी दिन में 12 घंटे काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी बताइए कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए जो है वो डेली 8 घंटे काम करता है और 12 दिन में वो कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है, और ये क्या आ गया, वर्क, ठीक है, ये आ गया वर्क। अब जितना काम ए कर रहा है उतना ही बी करेगा। अब बी क्या करता है, बी जो है डेली 12 घंटे काम करता है, हमसे पूछा है उसने कितने दिन में काम खत्म कर दिया, दोनों ने काम सेम किया, ये भी क्या है, वर्क, ठीक है ना, दोनों का वर्क बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी की वैल्यू हमें पुट करनी है, ए और बी की वैल्यू क्या है, एफिशिएंसी, कि वो अगर एफिशिएंसी बराबर है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे डी की वैल्यू क्या आ जाती, 8, 12 से 12 कट जाता, डी की वैल्यू 8 आ जाती, लेकिन एफिशिएंसी स्पेशली यहाँ दी हुई है कि ए दुगना काम करता है बी से, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2 और यहाँ पे बी की वैल्यू रख रहा हूँ 1, तो 12 से 12 कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 16, तो जो डी है सेम काम 16 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन जो तीसरा ऐसा ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दोस्त पी और क्यू एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है ना, एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, दो दोस्त एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, पी की जो स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड है और क्यू की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है, ठीक है, यदि वे वृत्ताकार ट्रैक पर दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, देखिए मीटिंग पॉइंट कितना है, 2 बिंदु, ठीक है ना, तो बी 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी कितने मान ले सकता है, देखिए बी अगर 6 से कम है तो बी के नेचुरल नंबर, मतलब बी की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अब बी की ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए इसका शॉर्टकट क्या है, दोनों स्पीड दी हुई है, ठीक है ना, दो दोस्त दोनों की स्पीड दी हुई है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये बिल्कुल मिनिमम, अगर इनका जो रेशियो ले रहे हो वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर कट रहा हो पहले उसको काट दीजिए, फिर उसका गैप निकालिए, यानी फिर उसका क्या निकालना है, गैप यानी डिफरेंस, डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, जितने बिंदु दिए गए हैं कितने बिंदु पर काटता है, यानी मीटिंग पॉइंट, ठीक है। अब मीटिंग पॉइंट यहाँ कितने हैं, 2, तो इसका मतलब गैप कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, S1 ratio S2, ठीक है, S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्पीड 1 कितनी है, 6, और स्पीड 2 कितनी है, बी, स्पीड 2 की वैल्यू कितनी है, बी। अब बी की वैल्यू मुझे यहां से पुट करनी है, मैं सबसे पहले 1 पुट कर लेता हूं, बी की वैल्यू मैंने 1 रख ली, अब 6 और 1 एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 5, ठीक है, 6 − 1 डिफरेंस कितना है, 5, आना कितना चाहिए, 2, तो यानी 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, 6 S1 की वैल्यू है, S2 की जगह अब 1 की बजाय मैंने यहाँ 2 ले लिया, ठीक है, तो 6 और 2 तो कट जाएंगे, देखिए अब मैंने 2 ले लिया, तो 6 और 2 तो कटते हैं, काट दीजिए पहले, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2, और डिफरेंस हमें चाहिए कितना था, वो भी 2, ठीक है, तो 2 हमारी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं फिर से लेता हूँ, S1 मैंने 6 लिया, ये दिया हुआ है, S2 मैंने अब 3 पे चेक करना है, 3, ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, 3 पे कटेगा 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, हमारा डिफरेंस 2 आना चाहिए था, मतलब 3 भी गलत है, ठीक है। अब मैं S1 की वैल्यू 6 ले रहा हूँ, S2 की वैल्यू कितनी है, 4, काट दीजिए, 2 पे कटेगा 3 और ये 2, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1 आना चाहिए, कितना, 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो चौथा भी गलत है। और फिर से S1 की वैल्यू क्या है, 6 और S2 की वैल्यू 5, डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है, आना चाहिए 2, तो यानी 5 भी नहीं आ सकती। हमसे पूछा था बी के कितने मान हो सकते हैं, देखिए बी का मान 1 ही होगा और वो मान क्या है, 2, ठीक है। अगर मान पूछे कि क्या मान होगा, वैल्यू पूछे, वैल्यू, तो वैल्यू तो है
दो, ठीक है, दो नंबर क्या है आंसर। अगर वो पूछे ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, नंबर पूछे वैल्यू का, तो वो क्या है एक, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर जो लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, वह 1 किलो के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए वो 1000 ग्राम के वेट की जगह 950 ग्राम के वेट का उपयोग करता है, तो उसने कितने ग्राम का, ग्राम की बचत की, 50 ग्राम की, कितने ग्राम के ऊपर, 950 ग्राम के ऊपर, यानी 50 ग्राम की बचत करी 950 ग्राम के ऊपर इंटू 100, ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। 0 से 0 कैंसिल, 5 पे काटेंगे 19, यानी 100/19 कितना आ गया, 19×95, ठीक है ना, फिर 5 बचा 0 लगाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, तो 19×2 38, 12 बचा पीछे 0 लगाएंगे 120, 19×6 114, यानी 5.26 लगभग हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नकद छूट देता है, यदि सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस 1200 रुपए है, तो उस विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 की छूट, यानी बेचा कितने में, 4/5 में, ठीक है, तो सूची मूल्य कितना था 1200, 1200 का कितना होगा 4/5, फिर आगे जो डिस्काउंट दिया हुआ 30%, यानी 3/10, 10 के ऊपर 3 की छूट, यानी बेचा कितने में, 7/10, ठीक है ना, दूसरा डिस्काउंट कितना था 30%, यानी 7/10 से उससे गुना कर देंगे, ठीक है, अब जो कटता है उसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5×10, 5×20, ठीक है ना, तो 24 चौक कितने होते हैं, 96, यानी 96 की 7 से गुना, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7×6=42, 4 माइंड में रखेंगे, 9×7=63 और 4×67, ठीक है, तो 672 जो हो गया वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x+1/x किसके इक्वल है, 7 के, ठीक है, तो x6+1/x6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से x²+1/x² की वैल्यू क्या रहेगी, 7² - 2, तो 7² - 2 यानी 47, ठीक है, अब मैं इसका 3 करूं तो मेरे पास x^6+1/x^6 आ जाएगा, यानी x^6+1/x^6 किसके इक्वल आ जाएगा, 47³ - 3×47, राइट, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, 47 क्या कॉमन ले लेता हूँ, राइट, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यानी 47 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखिए 47 जो है 50 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 0 9, और ये 25 से कितना कम हुआ, ठीक है, यानी 25 से कितना कम हुआ, यानी 47 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 गए, यानी 22, तो 2209 47 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 2209 लिख लिया, ठीक है, -3, तो ये कितना आ गया, 47 × 2206 आ गया, ठीक है ना, 2206, अब या तो आप इसको गुना करके आंसर निकाल लीजिए, वरना यहाँ यहाँ आप क्या कर सकते हो, 11 का डिजिटल सम से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, एक होता है डिजिटल सम 9 के लिए, ठीक है ना, आप डिजिटल सम 11 के लिए इसको सोल्व कर सकते हो, 11 में क्या होता है, राइट से पहले 2 नंबर और फिर अगले 2 नंबर, फिर अगले 2 नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, तो 2 में से 8 गए कितने, -6, और 6 - 3 कितने हो गए, 3, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 3 - 6 कितने होते हैं, -3, जब भी माइनस में आंसर आए उसमें 11 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो इनका जो डिजिटल सम आया है 11 के हिसाब से कितना आ गया, 8, अब हमें कितना निकालना है, मैं इसका निकाल लेता हूँ, 7 - 4 3, ये गुना का निशान, 6 - 0 6, और 2 - 2 0, तो 3×6 कितना आ जाएगा, 3×18, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकालिए, 8 - 1 7, तो हमें जो डिजिटल सम निकालना है ये मैं 11 के हिसाब से निकाल रहा हूँ, 9 के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूँ, ये भी इस मेथड से 11 के हिसाब से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर 7 आना चाहिए, पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है तो पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा 2 और 8 का डिफरेंस -6, 6 और 3 का डिफरेंस 3, और 0 और 1 का डिफरेंस -1, तो -7 और +3 यानी -4, जैसे ही -4 आए, जैसे ही माइनस की वैल्यू आई, तो आप 11 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7, तो यहाँ भी 7 आ गया और हमें 7 चाहिए था, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, बाकी के 2 ऑप्शन में आपके लिए वेरीफाई कर देता हूँ, 2 और 8 का डिफरेंस -6, 8 और 3 का डिफरेंस +5, और 0 - 1 -1, तो -7 और +5 यानी -2, आप इसमें क्या करिए 11 जोड़ दीजिए, तो डिजिटल सम कितना आया, 9, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है,
चौथा दो और छह का डिफरेंस टू माइनस सिक्स माइनस का फोर, आठ और तीन का डिफरेंस प्लस का पांच, ठीक है, जीरो माइनस एक माइनस का एक, तो माइनस का चार और प्लस का सॉरी माइनस का पांच और प्लस का पांच जीरो, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आ गया जीरो, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ये सुधीर है और ये आशीष है, ठीक है, उनकी जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो कितना है 5:7, ये क्या है प्रेजेंट एज, ठीक है, और 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक है, 12 वर्ष पहले, तो यानी 12 वर्ष पहले रेशियो कितना था 1:2, ठीक है, कब, जब मैं 12 घटा देता हूं, दोनों में से घटेगा 12 वर्ष पहले, ठीक है। पूछा है अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु कितनी होगी, यानी अब से प्रेजेंट एज से प्लस 5 करेंगे, तो यहां पे सुधीर की एज पूछी है, ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं पास्ट में 12 साल पीछे जा रहा हूं तो दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, अब यहां से गैप देखिए 7 और 2 का गैप कितना है 5 और यहाँ पे गैप कितना है 4, ठीक है, ये गैप इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंस देखूंगा 5 और 7 का डिफरेंस 2 यूनिट, 1 और 2 का डिफरेंस 1 यूनिट, तो मैं क्या करूंगा ये दो डिफरेंस है इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अब जो फाइनल मेरे पास जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, यहाँ पे कितना आ गया 1 सॉरी 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 और 7 एज इट इज रहने दो, तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट और 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल है लेकिन हमारी तरफ से कितना डिफरेंस होना चाहिए 12 साल, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल दी हुई है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साल, हमें निकालनी कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 साल, और हमें निकालनी है 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज सुधीर की कितनी आ गई 20 साल, और 5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 निकालनी थी, तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक कंपनी में 10,000 रुपए की राशि जमा करवाता है, राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, यदि 2 वर्षों में उसे अर्जित कुल ब्याज 2400 के बराबर है तो 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या थी। देखिए दो जगह इन्वेस्ट किए गए, एक पहली जगह तो 10% और दूसरी जगह कितने 15%, 15% को मैं लिख सकता हूं 10% जमा 5%, ठीक है, और 2 साल का ब्याज कितना है 1200, ठीक है, ठीक है, तो 1 साल का कितना होगा, सॉरी 2 साल का है 2400, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा इसका आधा, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200, राइट। अब अगर मैं मान के चलूं, मैं इस 5 को 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैंने नहीं माना, तो अब देखिए दोनों ही अमाउंट पे 10% है, तो आप बोल सकते हो कि जब दो अमाउंट अलग अलग जगह इन्वेस्ट की गई और दोनों पे सेम इंटरेस्ट है तो उसको क्यों ना इकट्ठा इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पे अलग अलग 10% होगा, अगर मैं 5% को ना मानूं तो इसको मैं पूरी अमाउंट पे ही 10% मान लेता हूं, तो पूरी अमाउंट पे यानी 10,000 रुपए पे 10% कितना बनता है 1000 रुपए, तब इंटरेस्ट कितना मिलता है 1 साल में 1000 रुपए, अब एक्चुअल में कितना मिला है 1200 रुपए, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा किस परसेंटेज की वजह से मिला है, इस 5% की वजह से, ठीक है ना, इस 5% की वजह से हमें 200 रुपए फालतू मिल गए, यानी 5% की वैल्यू हमें पता चल गई कितना 200, ठीक है, और ये जो पूरा 15% है अपने आप में 100% है, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है एक 100% है, ठीक है ना, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि पूछा है 15% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई, तो वो अमाउंट जो है अपने आप में क्या है 100% है, तो 5% की वैल्यू 200, तो 100% के लिए क्या करेंगे 5% को 20 से गुना करेंगे और यहां भी 200 को 20 से गुना करेंगे, तो 200 × 20 कितना आ जाएगा 4000, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, यानी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहां पे, ठीक है, और ए बी क्या है इसका व्यास है यानी डायमीटर है, और ओ क्या है इसका सेंटर, ये ए बी है, राइट, पी उस पर एक बिंदु है यानी सर्कमफेरेंस पे पी कोई पॉइंट है, ये मैंने पी मान लिया, ठीक है, एंगल ए ओ पी, ए ओ पी यानी ये एंगल जो है
95 डिग्री है, तो हमसे एंगल पूछा है ओबीपी, यानी ओबीपी यानी ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, जो एंगल एओपी है उसका हाफ होगा, यानी 95/2 यानी कितना आ गया, 47.5 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 475 दिया, ये एक्चुअल में क्या है 47.5, 47.5 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिए, 47.5 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस बीटा बाई सीकेंट अल्फा बराबर है 15, ठीक है। साइन बीटा बाई सीकेंट अल्फा बराबर है 16, तो साइन स्क्वेयर बीटा का वैल्यू यानी मान फाइंड आउट करना है। अब देखिए साइन स्क्वेयर बीटा, अब साइन बीटा की मैं कुछ भी वैल्यू लिखूं या नेगेटिव या पॉजिटिव, ऊपर स्क्वेयर है तो हमें आंसर किस में मिलेगा, पॉजिटिव में, यानी साइन स्क्वेयर बीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वेयर। ऑप्शन में आप देख सकते हो दूसरा ऑप्शन नेगेटिव में है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप देखिए साइन स्क्वेयर, जो हमारा साइन होता है ना, साइन बीटा या थीटा कुछ भी, वो -1, सॉरी यहाँ पे +1 और -1 इनके बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। पूरा पूरा भी हो सकता है, ठीक है, यानी ये -1 के इक्वल और उससे ग्रेटर, और यहाँ पे 1 से इक्वल और उससे लेस देन, ठीक है, ये रेंज में होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयर करूँ तो नीचे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वेयर बीटा, तब क्या है नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर साइन स्क्वेयर बीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है ना, 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच, ठीक है। इक्वल हो सकती है और छोटी हो सकती है, मतलब साइन स्क्वेयर बीटा 1 के इक्वल हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप पहले ऑप्शन से देखिए 256 यानी छोटी वैल्यू ऊपर है, बड़ी वैल्यू नीचे है, तो यानी ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, और साइन स्क्वेयर जो है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 30 cos 30 +tan 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, +tan 30 1/√3, ठीक है। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 +2 से 2 कैंसिल, √3 की √3 से गुना करूंगा तो 3 आ जाएगा, +√3 से √3 कैंसिल, तो 2 की 1 के साथ गुना 2, तो 3 और 2 5, 5 +√3, डिनोमिनेटर में 2√3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वेयर थीटा +tan²θ 25/18 दिया हुआ है, तो sec4θ -tan⁴θ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी 25/18, ठीक है ना, वो कैसे रहेगी मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर फिर उसका स्क्वेयर, ठीक है, -tan², फिर उसका स्क्वेयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वेयर +tan²। मैं थीटा यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना, आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे जस्ट ये साबित करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी यानी सीकेंट स्क्वेयर थीटा -tan²θ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की गुना इसके साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 25/18, और ये क्या है, ये है हमारा secant 4 -tan², ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 25/18, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन, शंकु यानी कोण का आयतन दिया हुआ है, यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास यानी डायमीटर ज्ञात कीजिए। देखिए जो वॉल्यूम होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/3 πr². अब r की जगह d पूछा है तो r किसके इक्वल है, d/2 के, तो यानी इसका स्क्वेयर इंटू h, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 73920, दैट इज इक्वल टू 1/3 π की वैल्यू 22/7, ठीक है, डी स्क्वेयर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 4 × 160, 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 40, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 21 है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, और ये 22 × 4 88 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अब क्या बच गया, ओनली डी स्क्वेयर, ठीक है,
तो काटिए, 8 पे कटेगा यहाँ पे, 11 सॉरी 11 से कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, तो 11 से काटे, 11 छः 66, 11 सत्ते 70, 11 दूना 22, 8 से काटिए, 8 2 64, 8 6 32, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, 21 गुना 84, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। 21 को एज इट इज लिखिए, 84 को मैं लिख सकता हूँ 21 गुना 4, और ये स्क्वेयर का यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 21 है, 1 21 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ठीक है, इंटू 4 से बाहर क्या आएगा 2, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 21 दुनी 42, तो ऑप्शन जो चौथा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुछ टोपी है, ठीक है ना, ए और बी के पास कुछ टोपी है, यदि ए बी को एक टोपी देता है तो उसके पास समान संख्या में टोपी है। देखिए यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है ना। अगर ए जो है बी को एक टोपी देता है, जब ए ने बी को एक टोपी दी तो ए के पास एक कम हो गई और बी के पास एक ज्यादा हो गई, तो दोनों की टोपी क्या हो गई, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, बी प्लस टू, ठीक है। तो मैं इसको अब इक्वेशन में यूज करता हूँ, ये ए है ये बी है, मान लेता हूँ बी के पास के टोपी थी, के टोपी थी तो ए के पास कितनी थी, के प्लस टू, ठीक है। ये मैंने कहां से यूज किया है, यहां से, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया पहली स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, यदि बी ए को एक टोपी दे, अगर बी जो है, ये बी जो है ए को एक टोपी देगा तो इसके पास कितनी टोपी बची, के माइनस वन, और ए के पास पहले टोपी कितनी थी, के प्लस टू, उसको एक और मिल गई तो उसके पास टोपियां कितनी बची, कितनी हो गई, के प्लस थ्री। अब बोल रहा है ए के पास जो टोपी है बी से दुगना है, यानी ए के पास जो टोपी है वो बी से क्या है, दुगना है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2k और ये ए के यहाँ माइनस में आएगा, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2 इधर जाके लेफ्ट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 यानी 5, के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब टोपियां कितनी आएगी, बी के पास कितनी टोपी थी, 5, और ए के पास कितनी थी, के प्लस टू यानी 5 प्लस 2 7। हमसे पूछा क्या है, ए और बी वाली टोपी कितनी है, कुल संख्या, ए और बी की कुल कुल टोपी की संख्या कितनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 प्लस 7 यानी 12। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये टेबल दी हुई है, ये 5 कॉलेज हैं, ठीक है ना, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, आईआईटी दिल्ली, मद्रास और गुवाहाटी, ठीक है ना। ये 5 कॉलेज हैं जिनमें जो स्टूडेंट दिए हुए हैं 430, 350 और 400, आईआईटी बॉम्बे और मद्रास के नहीं दिए हुए हैं, और ये अलग अलग ब्रांचेज है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर और अप्लाइड, ठीक है ना। इसमें कितने कितने परसेंट स्टूडेंट है ये दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या भी दी हुई है 2080, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि आईआईटी मुंबई में, बॉम्बे में आईआईटी मद्रास के छात्रों से 20% कम छात्र हैं तो आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ये एक आई ज्यादा लग गया, तो आईआईटी यहाँ पे आईआईटी मद्रास, ठीक है ना, ये मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, आईआईटी मद्रास, ठीक है ना। अब देखिए बॉम्बे में क्या है, 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 कम। तो अगर मद्रास में 5 यूनिट छात्र हैं तो बॉम्बे में कितने होंगे, 5 5 से 1 कम यानी 4 यूनिट, यानी बॉम्बे में कितने छात्र हैं, 4 यूनिट, ठीक है। हमसे पूछा है मुंबई में कितने छात्र हैं, यहाँ पे कितने छात्र हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 2080, ठीक है, और यहाँ पे 430 और 350 और 400 को ऐड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1080। अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, मैं जोड़ता हूँ कितने, 1180 आएंगे, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे कितने आए हैं, 1180, 400 430, 830 और 350 यानी 1180, ठीक है। 1180 आगे डिफरेंस कितना आया, 900, ठीक है ना। तो जो आईआईटी मुंबई और मद्रास में टोटल मिला के कितने हैं, 900 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा, 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू हमें 900 दी गई है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, और 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए, यानी आईआईटी मुंबई में 400 छात्र हैं और आईआईटी मद्रास में कितने हैं, 500। हमें तो आईआईटी बॉम्बे के पूछे थे, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, ये बाहर यहां से ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, तो धीरे धीरे सोल्व करेंगे। 17 पे कैंसिल कीजिए, 17 5 85, 17 2 34, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5/36, 5/36, ठीक है, माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे 23 पे कटेगा, 23 दूनी 46 और 23 दिया 69, ठीक है ना। और यहाँ पे 27 से कम 27, 27 पंजे 135, तो 1/5 क्या है गुना में होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 10/3, 10/3 ठीक है। माइनस इसको सोल्व करते हैं, इस पे है 43 पे कटेगा, 43 गुना 86, 43 दिया 129, ठीक है। 7 पे कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 को 13, 13 सते 91, 13 पे ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल, 13/3 वो माइनस का 13/3 ठीक है। यहाँ पे क्या है ओ 11236 राइट, ऑफ का मतलब होता है गुना। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का वन, माइनस का वन बाहर माइनस है प्लस, यानी 5/36 प्लस 1 ऑफ 112/36 कितना हो जाएगा 112/36 ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 36 एलसीएम, तो 5 और 112 117/36 आ गया ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पे काटिए 12, 3 3 9, 3 9 27 फिर से कट जाएगा 13 और यहाँ पे 4 ठीक है ना। तो 4 3 12, 1 रिमाइंडर, 3 सही, 1/4 हमारा आंसर आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। जो इनलेट पाइप है वो टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को, यानी आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है ठीक है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई, यानी वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आई क्या है, इनलेट पाइप जो 140 घंटे में भर देते हैं, और आउटलेट पाइप क्या करते हैं 63 घंटे में उसको पाइप टंकी को खाली कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ टंकी की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ यहां से। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आई 140, वो मैं लिख सकता हूँ 7 गुना 20 और 63 को लिख सकता हूँ 7 गुना 9 ठीक है। ये कॉमन आ गया तो कैपेसिटी कितनी आएगी 7 गुना 20 गुना 9, ये क्या है टंकी की कैपेसिटी ठीक है। और यहां से अगर मैं इनलेट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लूं तो 7 गुना 20 140, तो 9 कैपेसिटी आ गई ठीक है भरने की। और आउटलेट की खाली करने की कितनी आएगी 7 में 63, यानी 20 आ गई, वो भी माइनस में क्योंकि वो पानी निकाल रहा है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि 8 तो इनलेट पाइप है और वाई आउटलेट पाइप है, वाई आउटलेट पाइप और 8 इनलेट पाइप मिलके एक साथ खोले गए और वो 105 घंटे में पानी पूरी तरह से टंकी को भर देते हैं। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 7 गुना 20 गुना 9 ठीक है। डिनोमिनेटर में पानी भरने वाले पाइप कितने हैं 8, और एक पाइप कितना यूनिट पानी भरता है एक टाइम में 9, तो 8 में 72, तो 72 पानी तो क्या है एक यूनिट टाइम में टंकी में ऐड हो रहा है। लेकिन कुछ पाइप ऐसे भी हैं जो पानी निकाल रहे हैं, तो एक पाइप कितना यूनिट पानी निकालता है 20 यूनिट, टोटल पाइप कितने हैं वाई, वाई की हमें वैल्यू निकालनी है ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ वाटर ऐड करेंगे, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे टोटल कितना यूनिट टाइम में कितना पानी ऐड हो रहा है ठीक है, यानी इस टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो कितने घंटे में टंकी भर जा रही है 105 घंटे में ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 ठीक है। फिर यहां से 5 चौके 20, 7 पे काट दीजिए, 7 3 21, 3 पे काट दीजिए, 3 3 9 ठीक है। तो 12, और ये नीचे वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी किसके को लगा जाएगी 72 माइनस 20 वाई ठीक है। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 12 60, और 60/20 यानी 3 आ जाएगी, यानी हमसे पूछा था जो वाई का मान ज्ञात कीजिए तो वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा की। जहांगीर ने समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष अवधि के दौरान प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1000 से गुना करूंगा तो टोटल आ गया 90,000 मीटर राइट। अब कवर्ड डिस्टेंस कितनी है, कवर्ड डिस्टेंस जो उसने तय कर ली 1 सेकंड में वो दूरी तय करता है 15.2, तो 1 मिनट में कितना करेगा 60 से गुना कर देंगे, और कितने समय में उसने दूरी तय की है 25 में, तो 25 से गुना ये टोटल कितनी आ गई कवर्ड डिस्टेंस, डेसिमल हटाऊंगा तो
10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 छिका 150, ठीक है। अब 150 की मैं 152 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 0 एक बार लगा दीजिए, 15 दूनी 30, 30 की 0 3 माइंड में रखेंगे, 15 पंजे 75, 75 और 3 78, 8 लगाएंगे 7 माइंड में रखेंगे, 15 एक 15 और 7 22, 22,800, ठीक है ना। ये कितना है कवर्ड डिस्टेंस, और बची हुई जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी है, 90,000 टोटल थी। 25 मिनट में, 25 मिनट में हमने ये 22,800 मीटर की दूरी तय कर ली, यानी 90,000 माइनस 22,800, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 एज इट इज लिख दीजिए, तो 900 माइनस 228 कितने हो गए, अगर ये 228 ना होके 200 होता तो कितना आंसर आता, 700, 900 माइनस 200 200 700, लेकिन ये 28 ज्यादा है तो 700 में से 28 और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 672, ठीक है। तो 67,200 क्या है, बची हुई डिस्टेंस है, ठीक है। और बचा हुआ समय कितना है, रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम 25 मिनट, दूरी तय कर चुका है, दूरी 1 घंटे में तय करनी थी, यानी 60 मिनट में 25 खर्च हो चुके हैं, बची हुई मिनट कितनी है, 35 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो 60 से गुना करेंगे, बची हुई दूरी ये है, बचा हुआ समय ये है, हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, हमें स्पीड निकालनी है मीटर बटे सेकंड में, इसलिए इसको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट किया। तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 6 पे कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0, ठीक है। फिर 7 पे कटेगा, 7 पंजे 35, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 6 42, 0, फिर 5 पे कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बचे हुए समय में दौड़ेगा, ताकि वो समय पर जहां से पहुंचना है वहां पहुंच जाए। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है।